बिहार सरकार कृषि को आगे बढ़ाने के लिए व किसानों को प्रेरित करने के लिए हर वर्ष किसान मेले का आयोजन हर जिले में करती है। यहाँ पे हर वो किसान आता है जो कि नई तकनीक से कुछ नया चीज़ों का उत्पाद किया हो और अपनी जो भी उगाई हुई चीज़ें होती है उसका प्रदर्शनी लगाता है। साथ में वो कंपनियाँ भी आती है जो कि अपनी अपनी नई टेक्नोलॉजी से जो नई इक्विपमेंट तैयार की हुई है उसका प्रदर्शनी यहाँ पे लगाती है। तो आइए उसकी झांकी हम आपको दिखाते हैं, कैसे किसान बंधु नई तकनीकों को अपना करके और अनोखा काम करके दिखा रहे हैं। जीविका दीदी ने बनाया है हाथ से हैंडमेड घर की सजावट की सामान। सामने जो आपको भीड़ दिख रही है यहाँ पे लोग मधु का स्वाद चख रहे हैं, हनी का स्वाद चख रहे हैं। मधुमक्खी पालन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसान मधुमक्खी पालन करके भी और उससे भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चला ही नहीं सकते बल्कि अच्छी इनकम कमा सकते हैं। सारे लोग अपने हाथ पे ले ले करके और कई प्रकार की यहाँ पे मधु रखी हुई है, सरसों की, आम की, वो सारे मधु का स्वाद चख रहे हैं। जिसको पसंद आ रहा है वो खरीद करके भी ले जा रहा है। सामेकित कृषि मॉडल जो कि वर्तमान में किसान का सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पे है, उसके बारे में थर्मोकोल से काट काट करके और बहुत अच्छी कलाकृतियाँ यहाँ पे बनाई गई है ताकि किसान इसको देख करके समझ सके कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये आप जो देख रहे हैं ये है सौर ऊर्जा संचालित प्रणाली। ये सामेकित कृषि खेती का एक मॉडल है जिसको थर्मोकोल द्वारा बना करके किसानों को समझाने की कोशिश की गई है। इसमें आप मवेशी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और साथ ही साथ अपनी खेती एक साथ में कर सकते हैं और इसका बेनिफिट किसानों को समझाया गया है। जल जीवन हरियाली में पानी को कैसे बचाया जाए उसके बारे में बताया गया है। ये टेरेंस गार्डनिंग है यानी कि टेरेंस फार्मिंग में आप अपने घरों पे छत पे कैसे खेती कर सकते हैं उसके बारे में थर्मोकोल के माध्यम से कलाकृतियां बनाई गई है कि ऐसे भी आप खेती कर सकते हैं। बायोफ्लॉक सिस्टम यानी कि जो आधुनिक तरीके से मछली पालन किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे किसान बंधु को बताया गया है। ये है किचन गार्डनिंग यानी कि हम अपने घर के सामान से, घर के पड़े हुए वेस्ट से कैसे कंपोस्ट तैयार करके और उससे खेती करें उसके बारे में और ये इजरायली टेक्नोलॉजी का एक नमूना पॉली हाउस बना करके दिखाया गया है जिसमें आप ऑर्गेनिक खेती किसी भी सीजन में किसी भी पौधे फसल को उगा सकते हैं और अच्छी खेती आप करके अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। ये है ड्रैगन फ्रूट की खेती। ड्रैगन फ्रूट की खेती आजकल किसान करे तो उसमें सरकार काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी दे रही है और इसमें मुनाफा भी काफ़ी बढ़िया है। ये जितनी सारी बातें इसमें दिखाई गई है, जितनी सारी कलाकृतियां इसमें दिखाई गई है, इसमें ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है, सरकार का सहयोग काफ़ी अच्छा होता है, किसान को बहुत बृहद मात्रा में सब्सिडी सरकार प्रदान करती है। ये कुछ मवेशियों के टूल्स हैं जिसके बारे में समझाने की कोशिश की गई है किसानों को। और अब देखिए कि मिट्टी जांच करने के क्या फ़ायदे होते हैं। इसमें दिखाया गया है चित्र बना करके कि एक दुखी किसान है, एक सुखी किसान है। एक ने मिट्टी जांच करवाई और कम खर्चे
लगा करके और अच्छी फसल उगा ली। लेकिन वही जो दुखी किसान है उसने ज़्यादा पैसे खर्च किए, ज़्यादा खाद डाले, लेकिन फिर भी वो अपने फसल को अच्छे तरीके से नहीं उगा पाया, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि हमारे मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। और जिसने मिट्टी जांच करवाई उसको मालूम है कि हमारे मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, उसने सिर्फ उसका भरपाया किया और अपनी फसल को लहलहा लिया अच्छे तरीके से, उसको पैदावार काफ़ी बढ़िया मिला। ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में किसानों को जानकारी, वर्मी कंपोस्ट किसान तैयार कैसे कर सकते हैं, उसमें ब्लॉक का सहयोग काफ़ी बढ़िया रहता है। और जो भी अपना स्टाफ किसान के उत्पाद किए हुए कुछ नमूने, जिसमें कि इस मूली की साइज देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आश्चर्य करने वाली दिखी, जैसे कि 8 से 9 फीट का एक केले का घौत देखने को मिला, उसको भी एक किसान ने उत्पादित किया था। इसके अलावा टमाटर देखने को मिली जिसमें कि 200 से 250 पीस फल लगे हुए थे, ये सब काफी चौंकाने वाला था। हर जो भी आपको यहाँ पे सब्जी वर्गीय फसल दिख रहा है, सब्जी दिख रही है, उसकी साइज आपको अनुमान से ज़्यादा है या फिर उसका उत्पाद सबसे बेस्ट हुआ है एरिया में, और उसकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। साथ ही किसान ये समझा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि उसका उत्पाद उन्होंने किया कैसे। कड़कनाथ मुर्गा, आए दिन कड़कनाथ मुर्गे की बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है, किसान इसको भी पालने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें ज़्यादा रोग नहीं लगते और इसकी जो मीट है 1,000 रुपये केजी बिकते हैं, अंडे भी इसके काफ़ी फायदेमंद होते हैं। कहा यह जाता है कि इसमें कई सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसके मीट में होती है, इसके अंडे में होती है, इसीलिए इसका रेट इतना ज़्यादा है। तो किसान इसको भी कर सकते हैं, किसान ने ही अपनी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है वो करके, और बहुत अच्छा बेनिफिट इससे कमा रहे हैं। ये इसके खाने वाली घास है जिसकी खेती किसान कर सकते हैं। पूर्ण रूप से ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे किसान की दशा सुधर सकती है, किसान कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेमन ग्रास और खस जिसकी प्रदर्शनी किसान ने लगाई हुई है। सब बता।